स्वागत है मित्र एंड मित्राणियों। सो अभी फिर से आ गए बहुत बढ़िया से वीडियो लेके। मेरी आवाज को थोड़ा सा माफ करना, सर्दी हो रही है मुझे क्या पता क्यों। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। क्या नाम बताया आपने? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गए हैं? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। पहचान लिया आपने इनको? भूपेंद्र जोगी तो भूपेंद्र जोगी से भोला जोगी हो गया। मतलब जब पहली बार वाली क्लिप आई थी ना भूपेंद्र, मैं बहुत हंसा था कि भाई मतलब वो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और खुशी की बात ये कि ये जो बंदा है भूपेंद्र जोगी हमारे भोपाल का ही है। अगर आप लोग ज्यादा डिमांड करोगे तो मैं भूपेंद्र जोगी के साथ वीडियो बनाने चला जाऊंगा, फिर रिएक्शन लेके आऊंगा कि कैसा फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वैसे मेरा काम नहीं है ये सब, पर तो मैं नहीं करूंगा। नहीं मैं कर दूंगा अगर आप लोग बोलोगे, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। वो वीडियो याद है ना, न्यू मार्केट में हगने चले गए थे अपन, ये वाली नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके मेन चैनल पे देखना। ओके नॉनसेंस नॉनसेंस बोलोगे ना तो कहीं आपकी हालत भूपेंद्र जैसी ना हो जाए। अब ये भूपेंद्र कौन है? क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। क्या नाम बताया? नहीं एक नाटक आता है फॉरेन में सिम्पसन, उसमें फ्यूचर के बारे में बता देते हैं, कोविड के बारे में बताया उसमें, उसमें जो क्या कहते हैं व्हाइट हाउस पे हमला हुआ था शायद एक बार, उसके बारे में बताया, उसमें सब बता देते हैं। ऐसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा, खाने खाते खाते फ्यूचर देखा हमने अभी तक। मैं तो अभी भी चाहता हूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा खाना खाते खाते देख पाऊं मैं, पर अब देखने लायक ही नहीं आता। आप में से कितने लोग हैं जो आज भी देखते हैं, मुझे कमेंट में बताओ। नाम बताया आपने? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गए हैं? यूएस में जा गया हूँ। ये फर्क होता है स्क्रिप्टेड में और रॉ चीज में। जो एकदम असली चीज होती है ना वो कॉन्फिडेंस से निकल के आती है, एक्साइटमेंट के साथ। जो स्क्रिप्टेड रहती है वैसे। भूपेंद्र जोगी। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। पहचान लिया आपने इनको? वैसे बताता हूँ क्या कहते हैं, एक भैया है जिनको मैं जानता हूँ, उनके जैसा लग रहा है ये भी भोपाल का। वैसे वो भैया का नाम तो भूपेंद्र नहीं है, उनका नाम तो सरोज है, तो वो नहीं है। मेरे को दोस्तों का कॉल आया मेरे पास, उन्होंने बताया भाई आप लोग बहुत पॉपुलर हो रहे हो, क्या बात है। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता है ये भोपाली लैंग्वेज, मैंने की यार मेरे को वो नहीं पता ही। सही कहा आपने आंटी जी, ये आंटी जी ने बच्चे की आंख बंद कर दी कि बच्चा बाद में डरेगा, इन्फ्लुएंस पहले हो जाएगा। ऐसे गंदे लोगों से झूला झूलने आयो कि झूला झुलाने आयो। एक तो आंटी अच्छी थी कि आंटी ने क्या कहते सिर्फ आंख बंद करी बच्चे की, वरना आजकल की आंटी इतने हक रखती है कि वो आके धर देती। क्या कर रहे हैं बदतमीज। क्योंकि आंटियों का तो हमेशा से दूसरों की जिंदगी पे हक रहा है ना। आपकी भी पड़ोस वाली आंटी सब देखती होगी कि क्या क्या चल रहा है जिंदगी में। देख सकते हैं सौरभ जोशी आफ्टर मैरिज। सुबह सुबह क्या करना, देखा फेंक दिया गुस्से में उसने लोटा, है बेचारी बिना धोए उठ गई। वैसे स्क्रिप्टेड वीडियो थी, ऐसे साड़ी पहन के कौन हकता है भाई। पहुँचे देखा यह लगता है हमको ही बर्तन धोना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है ना, जब इंसान सुहागरात के व्लॉग्स बना सकता है तो हगना वगना तो वैसे ही बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हगी रहे हैं। अरे भाई इतनी चॉकलेट क्या करूँगा यार, भाई चॉकलेट दे दी और 250 रुपीज, not 25 lakhs। भाई इंसान भाई बहुत ज्यादा हाजिर जवाब, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे वो उसके दिमाग में चलती रहती चीज है तुरंत वो, उसको मेरे को लगता है चॉकलेट लेते वक्त ही सोच लिया उसने दूंगा धीरे से, not 25 lakhs। और वो दोनों आपस में लड़ नहीं रहे, उनके फैन बेस आज तक लड़ रहे हैं। अभी भी पिछली वीडियो में मैंने कुछ एल्विश के बारे में बोल दिया था, एल्विश के बारे में ऐसा कुछ बोला भी नहीं था। वैसे मैंने अपने व्लॉग में वो सब क्लियर कर दिया, जिसको देखना हो तो उधर जाके देख लेना, मैं इधर दोबारा वो सब बात नहीं कर रहा, वरना फिर वो हेट पड़ती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बताऊं, मैं लड़कियों में सबसे ज्यादा हेट करता हूँ वो जो कुछ लड़कियाँ क्यूट बनने की कोशिश करती है ना। नहीं, बिल्कुल नफरत, एकदम देख के ना ऐसा लगता है बहन 25 साल की बूढ़ी घोड़ी, डोंट डू दिस प्लीज। ऐसी हरकतें इंसान अगर एक इंसान के सामने कर रहा है वेल एंड गुड, पब्लिकली 6 दोस्तों के बीच में नहीं करो ना, नक को बिल्कुल नहीं। आई डोंट हेट एनी, माय गर्लफ्रेंड स्टैंडिंग राइट हियर, आई कांट से एनीथिंग, आई डोंट हेट एनीथिंग, आई हेट एवरीवन एक्सेप्ट हर। डर का माहौल दिख रहा है दोस्तों मुझे, प्यार मोहब्बत नहीं दिख रहा मुझे, डर का माहौल दिख रहा है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आती, बेटियां तो सबसे अच्छी होती है मगर इतनी खतरनाक बीवियां कहां से मतलब वैसे सोचने की बात है कि जब बच्चियां छोटी रहती हैं वो बड़ी प्यारी क्यूट सी लगती हैं। जो बच्चे रहते हैं नॉर्मली, मैंने देखा लड़कियों के मामले में लड़कियों की जो वो रहती है शौक करने की वो क्षमता वो थोड़ी ज्यादा रहती है, उनको जिंदगी में मजे करने, तो लड़कियां एक्साइटेड ज्यादा रहती है तो वो बचपन से करती रहती है मतलब मजे पर, बचपन में उनका मजा आप अफोर्ड कर लेते हो, बड़े हो के वो खर्चा ज्यादा हो जाता है ना, सोना चांदी तक पहुंच जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। और अब जब बचपन से आदत लगी है कि जिंदगी मर्जी से जीने की क्योंकि पापा ने परियों की तरह रखा है, वो लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती वहां पे कि एकदम से कैसे बदल जाऊं। ओके अभी हैवी कर दे पॉडकास्ट को।
जैसा मर्जी कर ले, मैं आ चुका हूँ। पॉडकास्ट में पत्थर वत्थर पड़ने वाले हैं क्या? ओके, तुम्हारे स्टूडियो में बैठा, अब जो करना कर ले, मैं तुझे बता। भारी बातें करता भाई ये रणवीर अलावादी, बियर बाय से, सच में बियर पी के बाय से बने ना। अभी देखिए मुझे अभी कुछ काम नहीं, अगले दो तीन घंटे खुद की मौत के बारे में सोचता हूं। पागल पागल है क्या भाई है? ये बैठे बैठे सदमा दे, ये अपने दोस्तों को फोन करके ये नहीं पूछता कि हालचाल कैसा है, कैसा आप? वो ये कहता है कि मरने के बाद क्या होगा, अगर पता चले तो मुझे भी बता दे। कब मरने वाला है तू? तुझे कुछ बीमारी है क्या? तू मर सकता है कल परसों में, मौत के सपने दिखाता है ये। गाइस अभी हमारे पास दो गाड़ियां हैं, एक है पोर्शे 718 बॉक्सटर और एक है लंबोर्गिनी। बस बस तुम लोग मजाक उड़ाते रहेगा, पीयूष की साइकिल, पीयूष का है, पीयूष का वो बाथरूम में वीडियो बनाता है, सौरभ ये करता है। पीयूष के पास दो दो गाड़ी है, सुपर कार, यहाँ पे एक छोटी मोटी कार लेने में हालत कर रहे, ईएमआई भर भर के पसीने छूट गए। पीयूष जरा सा खड़ी है, दो दो कार है, ऐसे ही होता है दोस्तों। इसकी दोनों की चाबियां मेरे पास है, ये की है पोर्शे की और ये। मैं जब इतना बड़ा था तो मेरे पास किसी भी चीज की चाबी नहीं थी दोस्तों, मेरे पास सिर्फ एक ताला था जो मुझे अपने मुंह पे लगाना रहता था जब भी मेरा कुछ लेने का मन करता था। जब मिडिल क्लास रहते हो ना आप, मिडिल क्लास इंसान, तो आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको बचपन से इतनी मेच्योरिटी आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। हम 24 साल तक साइकिल नहीं खरीद पाए थे भाई, साइकिल मिल गई थी। वैसे एक मेरा सपना था जो कि थोड़ा सा वो हो गया था कि मेरे को क्रिकेट में खेलता था तो अच्छा क्रिकेट खेलता था मैं बचपन में, और मैं सोचता था कि अगर मैं स्टेडियम में जाके खेलूंगा तो शायद कुछ हो सकता है जिंदगी में। मैंने अपने पिताजी, क्योंकि जो हम लोग जहाँ पे क्रिकेट खेलते थे वहाँ मैं सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा खेलता था, फर्स्ट नंबर पे जो बंदा खेलता था वो स्टेडियम में खेलता था, तो मैंने सोचा कि स्टेडियम जाना पड़ेगा। मैंने पिताजी से बोला पापा किट दिला दो तो स्टेडियम जाएंगे क्रिकेट खेलने। पापा ने बोल दिया कि देख भाई पैसे नहीं है, नहीं दिला सकते। मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। मेरे पापा कुछ दिन बाद किट ले आए मेरे लिए बिना बताए, मैं इतना खुश हुआ कि वायर किट आ गए स्टेडियम जाएंगे, पर जब तक वो जो एंट्री थी स्टेडियम की वो बंद हो चुकी थी तो मैं स्टेडियम नहीं जा पाया। और मेरे पापा ने पहले मुझे इसलिए नहीं बोला था कि वो लाके देने वाले, कि वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाए और बाद में अगर वो ना हो पाए सेटलमेंट एडजस्टमेंट तो वो ला ना पाए। पर मेरे पापा ने आज तक मुझे कभी भी किसी चीज के लिए निराश नहीं किया। वो तो ठीक है किस्मत नहीं ले जा रही थी उस साइड तो नहीं जा पाए वहां पे स्टेडियम। वैसे बहुत सारे लड़के हैं मेरे जैसे, मुझे पता है मिडिल क्लास में, जो सोचते हैं कि क्रिकेटर बनेंगे बड़े होके, पर ठीक है जिंदगी में सबको ये मंजूर नहीं होता, मतलब सबकी किस्मत को ये मंजूर नहीं होता, पर ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। ये जो हो रहा है ये भी अच्छे के लिए हो रहा है, आप लाइक कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। रुपए कम हो गए, लड्डू खा रहे कैसा लग रहा? मुझे नहीं पता, मैं खाना नहीं बनाती एक्चुअली। नहीं बनाती लेकिन सिलेंडर के दाम से कोई फर्क नहीं, नहीं मुझे नहीं पता, मगर मेरे कॉस्मेटिक का, मेरे ड्रेसेस का रेट कम होगा तब मुझे फर्क पड़ेगा। ओके मैडम, बस बताना चाहती हूँ कि वो अमीर घर की है, छोटे मोटे टिंजू पुंजू खतरों से फर्क नहीं पड़ता खर्चों से। कौन बनाता है? मेड बनाती है। तो सिलेंडर खरीद के कौन देता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा वो पाइप लगा हुआ है ना, सिलेंडर कनेक्शन वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिलेंडर महंगा, गैस महंगा होने से कनेक्शन का दाम भी तो महंगा हो जाता है। सस्ता हुआ तो सस्ता उसका भी हुआ होगा, इतना ध्यान नहीं देते एक्चुअली। इतना अब बहुत लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स और है, इसलिए सिलेंडर और ये वो महंगाई से कोई फर्क। पता है एक चीज मैंने देखी, आप सवालों से जितना भागने की कोशिश करते हो ना उतने उलझते जाते हो। अगर पहले सवाल का जवाब दे देते कि हाँ महंगा हुआ है नुकसान हो रहा है तो बच जाती। मैं नहीं देखती, मैं नहीं करती, वो फंसती जा रही है, फंसती जा रही है। स्मॉल शोल्डर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे अरे मैनेजमेंट दिया है भाई को, मैनेजमेंट संभालने भैया जी। कोई अगर गलत लाइन में जा रहा होगा भैया उसको रोकेंगे, वो भैया को भी साथ में लेके चला जाएगा उसी लाइन में। ये कौन सा एक्टर है भाई यार? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, इसका नाम कुछ ओरी ओगी करके कुछ है, ओगी ओरी ऐसा कुछ। ये सारे सेलिब्रिटीज के साथ घूमता है भाई, हीरो हीरोइनों के साथ ऐसा चिपक के फोटो खिंचवाता है जैसे कि धूल मिट्टी नहीं चिपक जाती गीली चीजों से ऐसे। कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रिटी के बीच में ऐसा फंसा हुआ दिखेगा, पहले मुझे लगता था कोई एडिटर एडिट करके लगाता है, पर ये रियल फोटोज है। ये वैसे कौन सा तरीका भाई फोटो खिंचवाने का, छाती से छाती लगा के, मतलब ठीक है वो जय वीरू वाला अच्छा था ऐसा वाला, ये कौन सा पोज है? ये है केन टोट्स, दुनिया का सबसे अश्लील जानवर। इस मेंढक में यार ये कौन एडिट कर रहा है फोटो देखो। इतनी भी हवस भरी होती है कि इसे जो चीज दिख जाइए उसी के साथ मेटिंग करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि छिपकली कछुआ मछली सबके साथ मेटिंग कर। कहाँ से ऑडियो उठाई है ये? यहाँ पर तो ये एक सरे आम के ऊपर ही चढ़ गया भाई साहब, पर खतरनाक सीन हो गया दीपिका रणवीर का भी है। पर ठीक है उन लोगों को किसी से मतलब ही नहीं है, पर मेरे को आप लोगों से बहुत मतलब है। आप अगर वीडियो लाइक कर दोगे, चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। हमारे मिलियन होने वाले, गोल्डन बटन आने वाली है, तो चलो चलते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय। या किसी ने कमेंट करा था मेरे वीडियो के नीचे हाथी पादे पूपू, एक आध बार गलती से निकल गया, पकड़ लेते हो तुम।